लड़कियां 3 दिन के दो अंदर अपने घर आई है। जब मैं इनको एडमिट कराया इनको, तो ये लड़कियां भूखी थी, खाना नहीं खा रखा था। सलवार लड़की की रीना बहन, मैं आपको बताऊं, दरिंदगी इतने लेवल पे बढ़ गई थी कि एक बच्ची की जो 15 साल की, उसकी सलवार तक फाड़ दी। और फिर यहाँ का प्रशासन कह रहा है कि हम कार्रवाई करें। कहा है कि जाट जाति के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। क्यों सहयोग कर रहे हैं जाट जाति के लोग? क्योंकि उनके अंदर दर्द है। उन्होंने मुझसे कहा, भाई भानगढ़ साहब, आप जो काम कर रहे हो मानवता के लिए कर रहे हो, हम लोग भी मानवता लिए। किसान यूनियन के लोग मुझे समर्थन करके गए कि भाई इसमें पॉक्सो एक्ट इसलिए लगेगा कि लड़की को पिटा जा रहा है, उसका हाथ पकड़ा जा रहा है, 15 साल की लड़की है, क्या पता वो उसको मार के फिर घर में खींच के ले जाए। तो एक चमार, एक धाने के, एक बाल्मीकि, अगर वो मंत्री बन गया तो मुझे लगता है उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। जो पूंजीपति लोगों का तो फेवर करता है, गरीब इंसान का ऊपर बदमाशी करता है। भैया लोग गरीब आदमी है, इनका रिप्रेजेंटेशन करने वाला कौन होगा? क्योंकि आज देश के अंदर ये जरूरत है, भाई जो लोग अमीर हैं, पैसे वाले हैं, उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। एक चमार, एक धाने के, एक बाल्मीकि, अगर वो मंत्री बन गया तो मुझे लगता है उसको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। जब बाबा साहब ने कहा था कि अपने साथियों को साथ लेके चलो, और जब आप आगे आ जाओ तो पीछे मुड़ के देखो कि तुम्हारे भाई बंधु पीछे नहीं रहेंगे, तो हमारे भाई बंधु पीछे ये हैं। इसलिए हम लोग आज एसपी को बताने आए हैं, डीसी को बताने आए हैं, हम ज्ञापन भी देंगे, पूछेंगे भी, भाई हमारे लोगों को क्यों मारा जा रहा है? सरेआम लड़कियों को हम पीटा गया, सरेआम मारा गया, तो भाई हमारे लोग क्या गंदी नाली के कीड़े हैं क्या? जो लोगों ने समझ रखा है, ये जो गरीब लोग हैं इनकी बातों को मजबूत हमें करना पड़ेगा। भाई एक बार क्या जाना है इसको ऊपर, भाई रुक जा, भाई एक मिनट, आज सैलजा है, आज अनूप धानक है, बनवारी लाल है, कृष्ण बेदी है, तमाम तरह के जो मंत्री बन गए उनके घर में रोटी पेटी का संबंध हो गया लोगों का। ब्राह्मण भी शादी कर देगा, जाट भी कर देगा, खटिक भी कर देगा, तमाम तरह की शादी हो जाएंगी, लेकिन इन लोगों के अंदर से लोगों को भाष आती है, इनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, इनकी बात को मजबूती से कौन दिखाएगा? इसलिए हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने संज्ञान लिया है। भाई अकबर रुक जाओ यार, रुक जाओ अकबर, ये लोग जो गरीब हैं इनकी बातों को उठाना हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग अम्बेडकरवाद को जिंदाबाद कहते हैं, जो लोग कहते हैं जय भीम अम्बेडकरवाद जिंदाबाद, आज उस अम्बेडकरवाद को इन लोगों तक पहुंचाना होगा। इनके भी तो मकान पक्के होने चाहिए। आप लोगों की सोच के इनके घरों जाओगे तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी, भाई ये लोग कैसे रह रहे थे, कीड़े मकोड़े हैं, ये लोग तो आधार कार्ड भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है। ये तो हमारे कुछ लोगों के प्रयास से इन लोगों के राशन कार्ड आधार कार्ड बने, हम लोगों ने इनके जाति जो प्रमाण पत्र वो बनवाए। ये लोग प्रशासन का जो रवैया है गरीब लोगों के ऊपर, वो रवैया ठीक नहीं है। पूंजीवाद को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देगा, ये देश बाबा साहब का है। यहाँ पे संविधान प्रधानमंत्री के लिए बराबर है और चपरासी के लिए बराबर है, संविधान एसपी के लिए बराबर है, चौकीदार के लिए बराबर है, डीजीपी साहब के लिए बराबर है, और यहाँ के जो जो गार्ड हैं उनके लिए बराबर। ये क्या मजाक बना रखा है, हमारे लोगों को कीड़े मकड़े समझने की कोशिश ना करें। दूसरा, डीएनटी नाम का एक बोर्ड बना दिया हमारे लोगों के प्रयास से, उस बोर्ड का कोई फायदा नहीं। जो बाबा देखो, मोदी खट्टर कैसे जाएंगे लोगों के पास में, थ्रू द पॉलिसी, पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी बना के इन लोगों के घर पक्के करो, पॉलिसी बना के इन लोगों तक एजुकेशन बढ़ाओ, पॉलिसी बना के इन लोगों को नौकरियां दो, पॉलिसी बना के इनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजो। ये जो देश के अंदर राम मंदिर के नाम से तो पैसा ठगा जा रहा है, जो बड़े बड़े मंदिर बना दिए, इस देश के अंदर आज जरूरत है शिक्षा की, आज इस देश के अंदर यूनिवर्सिटी की जरूरत है, आज हॉस्पिटल की जरूरत है, अच्छे स्कूलों की जरूरत है। ये क्या आए दिन इस देश में पाखंडवाद की तो पूजा होती है और संविधान का यहाँ पर शर्मसार नाश हो रहा है, भाई ये क्या चीज़ें चल रही है। जो हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करेगा तो याद रखे, हम छठी का दूध याद दिला देंगे। बात ही रही यहाँ के एसपी की, मैं जितने भी अधिकारी खड़े हैं मैं किसी से भी रुष नहीं हूँ, लेकिन इस हर एसपी का जो रवैया है वो बहुत ही एक एटीट्यूड ही रवैया है। भाई हम भी तो पढ़े लिखे हैं, ये देश में आप आए तो जनता के काम करने के लिए आए हो, आपको ये सीट मिली है पढ़ लिख के, तो जनता के लिए काम करो। गरीब इंसान के लिए काम नहीं करोगे तो फिर जनता आपसे खुश नहीं होगी। हमारे अधिकारी यहाँ पे जो पुलिस वाले, पता नहीं कितने पुलिस वाले हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, किसी से मेरा कोई द्वेष नहीं है, भाई खड़े हैं, लेकिन जब संविधान ये कहता है कि एक लड़की को सरेआम पीटा जा रहा है, ये भाई ने, मेरे एक वकील ने बताया कि इसमें पॉक्सो एक्ट इसलिए लगेगा कि लड़की को पिटा जा रहा है, उसका हाथ पकड़ा जा रहा है, 15 साल की लड़की है, क्या पता वो उसको मार के फिर घर में खींच के ले जाए। तो ये जो चीज़ें चल रही है ना, जो हमारे लोगों को लगातार डराने धमकाने का काम, ये जो अनपढ़ लोग बेचारे
पढ़े लिखे लोग नहीं है, इनका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए प्रदीप भानखड़ और भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता आज खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि इन लोगों ने भी सोच लिया है कि पॉलिसियाँ, संविधान का जो रिजर्वेशन दिया है वो अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब के निवाही हैं। आज जो RSP सोया हुआ है, जो हरियाणा सरकार सोई हुई है, उसको ढोल बजा के धमाके करके जगाने की जरूरत है। भाई अब तो उठ जाओ, ये लोग इस देश के मूल निवासी हैं, घुमंतू जाति हैं, ट्राइबल्स हैं। जब ये देश में हैं तो आप लोगों को इनका सम्मान करना पड़ेगा। मोदी सरकार एक तरफ तो कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ गुंडा राज करके लड़कियों को सरेआम मारा जा रहा है और उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा। क्या ये इसलिए है कि वो गरीब है? अगर अमीर होता मेरे जैसा होता तो सामंतवादियों का दिमाग खराब हो गया तो लाइन खींच के आ जाते, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं। लेकिन ये लोग डरे हुए लोग हैं, ये लोग अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, ये लोग अपनी बातें नहीं रख सकते, इसलिए इन लोगों को मारा गया, पीटा गया। आज मामले में अभी तक कार्रवाई कितनी हुई है भाई जी, ये बताओ। मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, हमने एक जाति प्रमाण पत्र बनवाया है उसमें SC ST एक्ट लगाया है। अभी तक पुलिस का रवैया है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। पुलिस का रवैया क्या है भाई? हम कर देंगे, मामले की जांच कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो पुलिस का रवैया तो हमारे बिल्कुल बिटवीन। कोई गिरफ्तारी कहाँ? देखो मामला दर्ज हुआ है, मामला जी हुआ था बिल्कुल निम्न धाराओं में, 323 का मामला बना दिया था ये। जब एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को पीटा जाता है तो SC ST है, तो हमने इनका जब जाति प्रमाण पत्र बनवा के अधिकारियों को दिया तो जबरदस्ती हमने धरना दे के, वो भी धरना दे के हमने SC ST लगा। आराम से पुलिस वाले कोई काम ही नहीं करते भाई, ये तो क्या है, खाकी वर्दी में गुंडारा चल रहा है, सरकार के इशारों पे काम किया जा रहा है, सरकार जो कहती है ये करो करते हैं, ये सरकार के एजेंट बने हुए हैं। आराम इंसान के लिए, गरीब इंसान के लिए जब काम नहीं होगा तो गरीब इंसान अपने अपने तरीकों से धरना प्रदर्शन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई अपनी बात को बताने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। इसलिए जो खट्टर सरकार है जो कहती है कि गरीबी को हटा देंगे, गरीबों को मिटा देंगे, जब गरीब इंसान को मारे दोगे तो गरीबी हट गई। इसलिए भाई एक पीछे जाके क्या हो चिल्लाओ ना, एक मिनट बाबू जी रुक जाओ, तो अब बाद में बोलना चाहिए एक बार। ये हमारे देखो जातियां गलत नहीं होती, जातियों में रहने वाले लोग गलत होते हैं। जाट जाति के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। क्यों सहयोग कर रहे हैं जाट जाति के लोग? क्योंकि उनके अंदर दर्द है। उन्होंने मुझसे कहा भाई भानखड़ साहब आप जो काम कर रहे हो मानवता के लिए कर रहे हो, हम लोग भी मानवता लिए। किसान यूनियन के लोग मुझे समर्थन करके गए कि भाई ये जो दरिंदगी हुई है ये गलत हुई है, इसलिए जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम पूरा जन समर्थन आपके साथ खड़े हैं। मैं किसान भाइयों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं तमाम उन जातियों को भी धन्यवाद करता हूँ जो मानवता को मानती है, मानवता की बातें करती हैं। इसलिए आज सारे समाज के लोग, चाहे वो जाट है, चाहे वो धानक है, चाहे वो सांसी है, चाहे यादव है, सारे के सारे एक मानवता के नाते उन लड़कियों के साथ खड़े हैं। भाई गरीब लड़कियों को पीटा गया है, सरेआम पीटा गया है, 3-3 जगह पीटा गया है, एक बार घर में पीटा, फिर बाहर पीटा, उसके बाद लड़की की चोट ज़्यादा लगी, पाँव में दर्द हो गया, लड़की बैठ गई, बोली भैया मैं बैठी हूँ और मेरे से चला नहीं गया। उसके बाद वो दरिंदा गाड़ी लेके आता है, गाड़ी बच्चों में मारता है, बच्चे अपनी जान बचा के एकदम साइड में कूदते हैं, झाड़ियों में कूदते हैं। उसके बाद उसमें गाड़ी में 4 लोग थे, 2 लोग उतर के इतना बेरहमी से बच्चों और ये कह रहे गलती होगी गलती होगी गलती होगी। क्या गलती होगी? क्योंकि ये गरीब हो गए। इस देश में गरीब होना अभिशाप है, गरीब होना इसमें जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना इस देश के आए दिन घटती रहती है। हमारे लोगों को मारा जाता है, ठुइया में मारा भाई मारा गया, 32 किले उसके पाँव में हाथों में गाड़ दी गई। उसके बाद नरवाड़ा में मारा भाई मारा गया, सरेआम मारा गया। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं भी जातिवाद को बढ़ावा दे रहे, ये भाईचारा खराब। अरे भाई हम किस बात का भाईचारा खराब कर रहे? हम तो भाईचारा मनाना चाहते हैं। आप भी तो हमें रिप्रेजेंटेशन दो, आप भी तो हमारे भाइयों को साथ में खड़ा करो, आप भी तो उनके साथ में खाना खाओ। ये जो कहावती बातें हैं कि हम भाईचारा, हम तो भाई भाईचारा बनाना चाहते हैं। हम लोग समाज के सभी लोगों से विनती करते हैं कि इन बच्चों का साथ दो, और SP साहब से कड़े शब्दों में चैलेंज है कि इनको गिरफ्तार करो, नहीं तो ये जो भोपा एड़ी जाती है, जिसको हेड़ी जाति में कंसीडर किया गया है, भोपा सिर्फ इसलिए बोलते हैं इनको कि ये नाच गाना बजाना करते हैं, भोपा इसलिए करते हैं, इसलिए ये जाति हेड़ी जाति है, और हेड़ी जाति के इनके सर्टिफिकेट बने हुए हैं, SC ST का पर्चा दर्ज हुआ है, और SP साहब को सख्त डायरेक्शन देके उन लोगों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया करें, नहीं तो हम समाज के लोगों, आज तो इतनी संख्या में आए हैं, नहीं तो हिसार से तमाम हरियाणा के लोग इकट्ठे होके हम लोग फिर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, और DNT का जो चेयरमैन है उनसे भी कहेंगे भाई आप चेयरमैन बातों के बन गए क्या? आप लोग चेयरमैन बन के सारी सुविधा जजों जैसी मिलती है आपको, कोठियां आपको जजों जैसी मिलती हैं, सुविधाएं आपको मिलती हैं, नौकर चाकर मिलते हैं, और आप लोग इनकी बात नहीं करते। इसलिए सरकार को आप कहो कि थ्रू द पॉलिसी इन तक सरकार की सरकार पहुंचे,
सरकार का बजट पहुंचे, सरकार का बजट पहुंचे, सरकार का पैसा पहुंचे, इसलिए आज हमारा जन प्रदर्शन है। आगे हम एसपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलकर अपनी बातें रखेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। अभी आप एसपी साहब से मिलने वाले? हाँ, मैं एसपी साहब से मिलने वाला हूँ। तब तक मैं तमाम पत्रकारों से कहना चाहूंगा कि आप परिवार के लोगों से बात करें, क्योंकि वो जरूरी है, बेहद जरूरी है, ताकि जनता भी देखे कि परिवार के साथ में न्याय कितना हो रहा है। ढोल के साथ भी आपने एक बार प्रदर्शन किया था। भाई देखो पत्रकार जी, मेरा काम है समाज के उस निम्न वर्ग के व्यक्ति को न्याय दिलाना। मैं कोई अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ता, मैं लड़ाई लड़ता हूँ उन लोगों की जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ। ये गरीब लोग हैं, हम लोग हमेशा इनके साथ खड़े हैं, और आगे भी जहाँ भी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, शोषण अत्याचार, शोषित वंचित महिलाओं पीड़ितों के साथ जो है होते रहे, हम उनके साथ में खड़े रहेंगे, दिन रात खड़े रहेंगे। ये भी हमारी टीम ने खोजा। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मैंने अपनी पूरी टीम को इसके ऊपर काम पर लगाया। भाई आप देखो, उमेद फ्रांसी हमारा डूडी है, अजी डूडी, उसे कौन सा गाँव, वो फ्रांसी गाँव का है, वो प्रदीप रजौरिया जी, हमारे बलराज भाई, हमारे रमन बैंस जी, अजय जी, तमाम तरह के साथियों ने प्रयास किया। ये लड़कियां 3 दिन के तो अंदर अपने घर आई है। जब मैं इनको एडमिट कराया इनको, तो ये लड़कियां भूखी थी, खाना नहीं खा रखा था। सलवार लड़की की, रीना बहन, मैं आपको बताऊं, दरिंदगी इतने लेवल पे बढ़ गई थी कि एक बच्ची की जो 15 साल की, उसकी सलवार तक फाड़ दी। और फिर यहाँ का प्रशासन कह रहा है कि हम कार्रवाई करें, काहे की कार्रवाई करें, शर्म आनी चाहिए। ये हमने देखा कि पाँव में जूते नहीं हैं, 3 दिन खेतों में रहे, हमारी टीम ने इनको पकड़ा, लेके आए, मामले का संज्ञान लिया, उसके बाद इसके ऊपर पर्चा दर्ज करा, हमने एडमिट करा, हमने एफिडेविट बना के डॉक्टर को दिया, भाई ये लोग कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, इन लोगों के ऊपर भी संज्ञान लो, तो इसको एडमिट कराया गया। उसके बाद में मुकदमा दर्ज किया, फिर कागज बनवाई, अब SC ST का पर्चा दर्ज है। अब प्रशासन से हमारी मांग है कि भाई सरेआम एक लड़की की सलवार फट रही है तो उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया जाए, जो संवैधानिक हमने भी एक्ट पढ़ाया, भाई हम भी तो वकील हैं, हम भी तो पढ़े लिखे, कानून हमें भी आता है। इसलिए ये जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, ये लोग भी गरीब लोगों का साथ दें। SP से भी उम्मीद रहेगी कि हमारा साथ दे, DSP से भी उम्मीद रहेगी हमारा साथ दे, ADG भी जो हमारे थे श्रीकांत यादव जी, उनका ट्रांसफर हो गया, क्योंकि उनसे मैं हमेशा से न्याय की उम्मीद रहती थी, और वो न्याय प्रिय आदमी भी थे, उन्होंने हमेशा हमें न्याय देने का काम भी किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय श्रीकांत यादव जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा हमारी सुनी, लेकिन SP साहब ने आज तक हमारे लोगों की नहीं सुनी। SP साहब के तो लोग हमारे बार बैठ के आते हैं, मिलते ही नहीं, पता नहीं भाई वो गरीब इन लोगों के लिए बना है या फिर पूंजीपति लोगों के लिए बना है। इसलिए SP साहब को मेरी प्रार्थना भी है कि ये लोग भी, इनका भी अधिकार है, ये भी इस देश के मूल निवासी है, इनका भी साथ लेके चलो, इनका भी न्याय दिलाने का काम करो। अगर न्याय नहीं दिलाओगे तो फिर हमारा एक बड़ा जन प्रदर्शन हम करने के लिए तैयार हैं। आर पार की लड़ाई भी से लड़ने तैयार है, मुकदमे से नहीं डरते, ना झुकेंगे ना बिकेंगे और ना किसी को बदमाशी करने देंगे। देखो हमने काम करवाया है, काम करवाना आता है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की हत्या सरेआम हो रही है, और यहाँ की सरकार तालियां बजा के देख रही है। यहाँ की सरकार सिर्फ वादों में है, बातों में है, पॉलिसी में नहीं है, पॉलिसियाँ सरकार नहीं पहुँचाती। हमारे मंदिर काम नहीं आएंगे, हमारे स्कूल काम आएंगे, हमारी यूनिवर्सिटियाँ काम आएगी। तो पूरे शहर में जी ढोल के साथ आपने प्रदर्शन किया, क्यों करना पड़ा आपने इस तरह से? क्योंकि सर SP सोया हुआ है, हरियाणा सरकार सोई है, कई बार गूंगे बहरों को जगाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं, और वो दो धमाके आज हमने ढोल बजा के किए हैं ताकि ये जाग जाए।